और अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट है जिसको करियो है, ब्लर करके दिखाना पड़ेगा क्यों बहुत ज्यादा जलगी है भैंस। 20-22 बकरी छोटी बड़ी करके पांगी मौत होगी, बड़ी भैंसी बात झुलसगी, पाडी झुलसगी, गाय बात झुलसगी, सारे सरकंडे की है जो बुझाने में बहुत टाइम लग गयो। नहीं बुआ जी भी यहाँ भी पशु पशु काट लेंगे चक्कर मायने वह भी थोड़ा सा झुलस गया है, एडमिट है तारा नगर। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स, आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम सर, मैं मनोज और थे देख रहे हो जिलको चूरू चैनल पर, नए हो तो सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का। फिलहाल तारानगर तहसील को गाँव है जिक सना ताल है और जी की हाईवे जो है राजगढ़ की तरफ बैंग ऊपर एक ढाणी है जी की मनेड़ी और आठे आग है जी की लाग गई। बच्चा खेल दिया बैंग दौरान कोई चिंगारी के कारण आग लाग गई। तकरीबन 20-22 मवेशी है जी का जल गया, मैंने बकरियां ही जी की जल गई और बांग छोटा बच्चा वह भी जल गया और एक गाय और एक भैंस है जी की झुलस भी गंभीर रूप में गई है जी की। अब गाय है बैंग मौके पर प्रशासन भी पहुंचो और आग किया लगी हो पतो को नहीं हो लेकिन अफरा तफरी माहौल रहे और गरीमत आ रही है। एक तो गाय और एक भैंस है जी की बच गई, हालांकि बकरियां और नुकसान है जी काफी हो गया। अठक जी का आज कहीं ढाणी ही बातचीत करांगा, पता चलो पीछे ढाणी अब आग लग गई, मैंने रोटी बनाने लग रहा घर का, कोई पतंग उछल गया आग लग गई, बाद में थोड़ी देर बाद में पता चलो इतना आग पर काबू पाए कौन गयो, तारनगर प्रशासन आयो फिर आग बुझाई गई। 20-22 बकरी छोटी बड़ी कर गई पांगी मौत होगी, बड़ी भैंसी बात झुलस गई, पाडी झुलस गई, गाय बात झुलस गई, डॉक्टर साहब साग आया बंग ट्रीटमेंट करियो, अब गाय भी थोड़ी ठीक है, भैंस भी है, बाकी बकरियां सारी जल गई। बकरियां जितनी भी थी बस सारी की सारी जल गई। अच्छा बेटे अठे हो कौन कौन मौजूद ढाणी के अंदर? ढाणी के अंदर मारी बुआ जी आ, छोटा बच्चा, दादू जी अगले खेत गेड़ा। पतो क्या चलो आसपास धुआं दाओ वगैरह धुआं निकलो आसपास में धुआं निकलो पीछे जब पतो चलो ढाणी को बाढ़ अगली साइड है ये सब पिछली साइड का। और जी आग में तमाम जी घटना हुई कितनी देर बाद में आग में काबू पाई लीजिए? आधी पौन घंटों लग गयो, आधी घंटों ऊपर ही लग गयो, सारे सरकंडे की है जब बुझाने में बहुत टाइम लग गयो। सरकंडो भी आग भी जल्दी पकड़ी हुई, जल्दी पकड़ी आग बुझाने में बहुत बहुत परेशानी हुई आग बुझाने में। नुकसान की बात कर लिया तो बकरियां को नुकसान हो गया, मैंने बकरियां हो गया और फिर पराली की राइड, अभी तीन बड़ा पशु है एक छोटा पशु और वांग लिए और बकरियां के लिए नीरो की राइड हो बहुत नीरो वो भी सारो जल गयी और पराली बा सारी जल गई, नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। थाने कौन के सूचना दी? मानने तो कोई तारनगर हूँ मारा बच्चो है फोन करे मान लो सॉरी तो मान लो पशु पास वांग लाग गई तारनगर ताई बेरो पड़ गयो जद कोई फोन करियो तारनगर सोरे मारे मैंने फोन करियो कोनी पशु पशु काट लेंगे चक्कर मायने वह भी थोड़ा सा झुलस गया है, एडमिट है तारा नगर, बाकी वह कतरों भर है ठीक है भाई। बंग बजो भैंस अब निकाली गई, वह छोटा पशु है तो निकले को भैंस ही बाकी आपके जोर तुड़ा गिर की बा खोल दी बांध जद थोड़े सी बंग भी हो और है तो ठीक है। अभी गरीबत की बात है कि मौके ऊपर जी की महिला ही वह बच गया और एक बच्चों भी हो क्योंकि बच्चों अमूमन आप मांस का किसी चीजों शिकार है, उसके बकरियां है जी की जलगी और मवेशी जल गया और एक जी की भैंस है बंगी भी काफी जलगी, आगू और पीछे जलनी बताई जा रही है और अठे अंगोली साइड में वो नीरो है जी को भी जल रहे हैं जी, यहाँ पट्टियां है कि आप ही टूट गई तो आग से टूटी सारी और झोपड़ो भी लपटू बढ़ गया है झोपड़ो भी बढ़ गया और अंगो जी को चारो हो डालन खातर वो भी जल गयो और आज ये गाय है वह अमेरिकन है एलसीडी गाय ही और एक बाद में थोड़ी सी दूर है जी के बाद दूरी पर भैंस है, अंदाजो लगाया जा सको अगर भयानक है कितनी आग बैठे में रेडी है क्योंकि टाली का पत्ता है तमाम दूर है बावजूद पत्ता भी अभी तक जल रहा है। आज की भैंस है बच गई लेकिन काफी जख्मी है जी की हो रही है थोड़ी सी दूरी पर ही और बैंग वजू भैंस जी की बच गई और जितनी भी आंग बकरियां ही वह बकरियों को नुकसान है वो हो गयो और अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट है जी को करियो है, ब्लर करके दिखाना पड़ेगा क्यों बहुत ज़्यादा जलगी है भैंस और आप मानस का आके काफ़ी नुकसान आंग है अठो गयो है। और पूरी घटना के अंदर सामने एक बात और निकल गई है कि एक महिला है जी की अठाई बही दौरान मौजूद ही जी की भी झुलिस गई और अठाई अंदाजो लगा सको ये हाद सही भीषणता वो गटर ही बाबी पिंगल की है कितनी ज्यादा भयानक आ गई, तमाम चीजा गवाह है जी की मानस का पा भी बहुत ज्यादा है जी को नुकसान हुए है और प्रशासनिक तमाम जी की गतिविधियां है अब चलाई है मौके पर अठो स्थानीय प्रशासन है जी को भी पहुंचो पर मानस का आपा के
नुकसान है जी को बहुत ज्यादा आज के दिन हुए है कि चूरू जिले की अपडेट खातर चैनल सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।